भगवान है और भगवान नहीं है उसमें। आपको कैसे पता लगा? मुझे आपको पता लगा, मैं पिछली बार ही आया, मैं अपने लड़के को लेकर आया हूँ यहाँ पे, अब मैं छठी बार आया हूँ। मैं नाम हरी किसानी, मैंने आपके घुटने कब देखे थे पिछले हफ्ते? आपको क्या होता था घुटने में? उनको बता देना तुम्हारे पास जो नहीं है वो मनु भैया के पास है। मनु भैया से बड़े मनु भैया को ये साक्षात भगवान है। आप घुटने उठाओ, चल के दिखाओ। आप कहीं कहीं आप बिल्कुल सेम भगवान हो। आपको क्या बात क्या रहता हल्के में? मेरे से तो सवेरे पड़ोस की एक औरत ने हल्के में मारे मनु भैया को, हल्के में आदमी मिलने साक्षात भगवान है। चलो मुझे ये बताओ बहन जी, आपको दर्द में आराम है? आपको लगता है कि अब आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा? आपको लगता है ताऊ कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा? मैं एक हफ्ते के अंदर पर नहीं, ये रोग पैदा होगा। ये वो रोग नहीं है, वो मैं बता दूंगा क्या है। वो ठीक है, देखो मैं डालूंगा इसको। वो छोड़ दो आप उसकी चिंता, ये पानी लग रहा है हम लिक्विड, आप उसकी चिंता मत करो। वो मैं बता दूंगा क्या है क्या एक बात बताता हूँ, वो डॉक्टर है, वो बेचारा टैबलेट दे नहीं जानता, आपके क्या करना जानता, ऑपरेशन करना जानता, मशीनें जानता है, बड़ा सर्जन है, बड़ा सर्जन है वो। लेकिन मनु भैया अपनी चीजों को निकालना जानते हैं, उसको ये नहीं पता ये मनु भैया की चीज है। उसको बस ये पता है कि इस आदमी के घुटने नीचे तो मैंने इसका ऑपरेशन कर दिया। एक ऑपरेशन ये सामने साक्षात, दूसरा और सवेरे से तीसरा एक सरदार नहीं गए, अभी 20 साल से उनको दर्द था, उनको माता जी को, और वो आपने देखा भी होगा कल उन्होंने कितनी तारीफ की कि 20 साल से सरदार जी ने बताया, कितना हॉस्पिटलों में दिखाया जा जाके। बोलो बोलो बहन जी, लेकिन मैंने काम नहीं करना है, और इसी टेंशन से मेरा बीपी बढ़ा, मेरा शुगर बढ़ा, सब बढ़ा, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, MRI, जो जो जैसा जिसने बोला वो किया। यहाँ तक कि अपने घर में पंडित को कुंडली तक दिखाई, राहु केतु है, ये है, सब किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जब मैंने एक दिन फेसबुक देख रही थी, तो एक महीने की, आज से एक महीने पहले की बात है, कि मैंने जब मनु भैया का ये देखा था कि डिस्क का प्रॉब्लम, बैक का प्रॉब्लम मनु भैया ठीक करते हैं, तो मैंने वो हेडिंग पढ़ के वीडियो ऑन किया। और जब मैंने वीडियो देखा, मैंने पहला वीडियो देखा, फिर मैंने दूसरा देखा, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, अपने बेटे को बताया, मेरी बेटी मेरे से दूर रहती, मैंने फोन करके उसको बताया, मैंने वीडियो शेयर किए, मैंने बेटी को भेजा। मेरे हस्बैंड बेटी उतना नहीं मानते, ठीक है सबका अपना अपना होता है, लेकिन जब मतलब मैंने भैया को देखा, और जब मैंने लोगों को देखा, जो मैंने ज्यादातर मैंने यही सर्च किया बैक वाला प्रॉब्लम, और जब लोग यहाँ पर आके सब बोल रहे हैं कि हमें फर्क है। वो दूसरा तीसरा दिन था जब मैंने मनु भैया का वीडियो देखा था, और जब से मैं पीछे पड़ गई थी हस्बैंड की कि मुझे जाना है, और मेरे हस्बैंड ये कह रहे थे कि थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मेरा अभी भी चल रहा है दोबारे से, तो तुम थोड़ा रुक जाओ, वेट करो, अभी यहाँ भी तुमने करवा दिया है। मैं बोली मेरे को क्या पता दवाई खाने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन मुझे जाना है। और मैं ये वो बोल रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मैंने जब मैं 3 साल के अंदर मेरी माँ का पेट का ऑपरेशन हुआ, मेरी सास के घुटनों का ऑपरेशन हुआ, और मैं यहाँ तड़पती रही उन्हें देखने के लिए, कैसे हैं, कैसे, बहुत बुरे हाल थे उनके, लेकिन मैं उन्हें देखने नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि मुझे ये डर लगता था कि मैं अपने घर से सिर्फ एक ही जगह के लिए पैर निकालती थी जब मुझे महीने में डॉक्टर पे जाना होता।
लेकिन मैं इसलिए नहीं जा पाई कि मैं बाहर जाऊंगी तो इतना सफर कैसे करूंगी, मैं कोलकाता से उत्तराखंड कैसे जाऊँ, दो दो फ्लाइट भी लेंगे तो भी बीच में गैप है, मैं इतना बैठ ही नहीं पाती। मैं 10 मिनट जब खाना खाने बैठती हूँ वो भी नीचे नहीं बेड पे, तो उसमें भी मेरी कमर अकड़ जाती है, बहुत बुरी तरह पेन होता है, पैर तक विकलेट होता है। लेकिन आज आप बातें कर रहे हैं बहुत देर से, और आज आपको तीसरा दिन चमत्कार देखिए कि मुझे नहीं पता कि मेरा दर्द आगे जाके कैसा रहेगा क्या रहेगा, जो अभी है मेरे को इतनी सुकून और इतनी शांति भरी नींद आ रही है और इतना अच्छा लग रहा है अंदर से। मतलब जो मैं हर समय ये सोचती थी कि फोन में देख के टाइम पास करो, ये देख के टाइम पास करो, बोर हो, अपने दर्द से बाहर नहीं आ पा रही थी, अब मैं फोन साइड में रख के चैन की सुकून की नींद सोती हूँ। दो दिन से मेरा वीडियो कॉल देखे, कल परसों भी बोला दर्द कितना कम है, मैंने बोला मैं कम है इतना बोल सकती हूँ, कितना कम है नहीं बोल सकती। मेरी बेटी ने पूछा मामा कितना परसेंट कम है, मैंने कहा मैं परसेंटेज में नहीं बता सकती, दर्द कम है। फिर कल फिर वही बात कि हमें इतना बताओ कितना कम है, मैंने कहा मेरा दर्द कम है लेकिन मेरा वो दर्द नहीं है जो मुझे पहले हो रहा था, मुझे उतना तेज पेन नहीं है, और मुझे दर्द आती भी है वो शायद इसलिए कि मैं बैठ नहीं पाती हूँ ज्यादा देर, पर अभी तो 3 दिन हुए कोई मतलब चमत्कार भी होते हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार तो मेरे साथ तब हुआ जब हमारे घर में डेली तीसरे दिन के वीडियो से ये होने लग गया था 1 महीने के अंदर कि नहीं जाना है जाना है, वो ड्यूटी से आते थे मैं उनके पीछे पड़ जाती थी मुझे जाना है, वो ये कहते थे थोड़े दिन रुक जाओ मैं छुट्टी ले लूंगा मैं चलूंगा, मैंने बोला अगर आपको अभी 1 दिन की अगर छुट्टी मिलती है तो आप चलो संडे तक वापस आ जाएंगे, लेकिन उनको नहीं मिली। मेरे बेटे कितना छोटा है 16 साल का है और उसकी 12th का पढ़ाई चल रहा है और उसके सब ट्यूशन व्यूशन सब छोड़ के उसने बोला कि मम्मा आप चलो मुझे नहीं देखना आपको कष्ट में और आप चलो, और जबकि इतने छोटे बच्चे जल्दी से सब में बिलीव भी नहीं करते, और उसने बोला आप चलो मैं आपके साथ हूँ। जब फ्लाइट की टिकट होती थी कम से कम 3 या 4 बार हमने फ्लाइट की टिकट का फॉर्म भरा लेकिन फिर कैंसिल हुआ, क्यों? क्योंकि हस्बैंड मना कर देते कि नहीं नहीं अभी नहीं जाना, लेकिन जब 4th बार फॉर्म भरा ना तो मेरे बेटे ने बोला कि भाई जिसको भी अगर आपको जाना आप मेक पेमेंट करो और जिसको नहीं पापा देख लो, लेकिन मैंने ठग से दबा दिया। और जब मेरी फ्लाइट बुक हो गई, जब मेरे यहाँ आने का तय हो गया, जब मेरा पता था कि मुझे कल सुबह निकलना है 3 बजे, तब मैं रात में सोच रही हूँ कि मैं जाऊँगी कैसे, मैं तो 3 साल से कहीं गई नहीं हूँ, मेरा तो एक एक चीज एक एक कपड़ा एक एक चीज मैंने ऑनलाइन खरीदा, मैं अपने पैरों से मैं गई नहीं डर के मारे, और वो उतना बड़ा मतलब मेरे साथ कैसे चमत्कार हो गया, सिर्फ ये बोल के कि 2-4 दिन पहले मैं जब पूजा कर रही थी मैंने यही बोला था कि शिव जी भगवान मैंने आपकी हमेशा पूजा की, या तो आप मुझे बिना दर्द की जिंदगी दे दो नहीं तो आज ही उठा दो, मुझे कोई मोह नहीं है, मुझे भी ये नहीं बोलूंगी कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के कैसे आऊँ, लेकिन मैं इतना दर्द लेके नहीं जी सका, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था। और फिर मैंने ये भी कहा था कि मन्नू भैया और शनिदेव भगवान अगर शक्ति है तो मुझे नहीं पता कि मैं वहां कैसे पहुंचूंगा, उठा और लेके जाओ। और आज तक 20 साल की शादी में मैंने अपने पति के अगेंस्ट कभी ये नहीं किया कि अगर उन्होंने कुछ बोला मैंने नहीं माना, लेकिन पहली बार मैंने इतना बड़ा कदम लिया और मैं आई, मैंने ये नहीं सोचा कितना खर्चा जाएगा, कितना फ्लाइट का जाएगा, कितना कहाँ लगेगा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये था कि मुझे जाना है, मैंने कुछ नहीं सोचा। और जब फ्लाइट हो गई तब मुझे उस दिन रात में नींद नहीं आई कि मैं पहुंच पाऊंगी, 1 घंटा वहां से टैक्सी, 2 घंटा वहां से एयरपोर्ट में फ्लाइट, फिर 1 घंटा इधर से टैक्सी, फिर शनिधाम, और शनिधाम पहुंचने के लिए हम पुराने शनिधाम पता नहीं कहाँ 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 जाके यहाँ पहुंचे, लेकिन मैं पहुंची, मुझे मन्नू भैया के दर्शन हुए, शनिदेव के दर्शन हुए और मुझे आराम, बहुत आराम। और मैं यही कहूंगी दुनिया में जहाँ है जहाँ भी है आप डॉक्टरी इलाज कराओ, हम कुछ नहीं कहते कि नहीं कराओ, कराना चाहिए, चलो ठीक है वो पढ़ लिख के डॉक्टर बने उनका इलाज भी कराओ, लेकिन ऑपरेशन कराने से पहले या कुछ और चीज कराने से पहले एक बार मन्नू भैया का आशीर्वाद जरूर लो, बस इतना ही मैं कहूंगी कि उनका आशीर्वाद जरूर लो, उनके हाथों का स्पर्श लो, बहुत बहुत दर्द में फर्क पड़ेगा, 100% नहीं तो अगर किसी का 50% भी दर्द कम हो जाए तो उसमें भी आदमी जी लेगा, थोड़ा और जी लेगा, चलो थोड़ा तो कम हुआ। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। पहले नहीं है यही काम, मैं बहुत वर्षों से करता हूँ, किसी को पता नहीं शायद ये मेरे हृदय की टीस है, विडम्बना है कि मैंने हमेशा कुछ बड़ा करने की सोची और भगवान ने मेरे पैर रोक, हम इससे पहले किराए के उसमें थे और ये जैसे तैसे करके हमने लिया,
तो इस पर भी मैं बना नहीं पाया। और मुझे पता है कि मेरे पास भगवान का इस तरह का आशीर्वाद है कि मैं किसके किसी के भी संसार में किसी के भी कितनी भी खतरनाक रोग को आकाश मार्ग में ले जाके छोड़ सकता हूँ। बहरहाल उसका उस समय टाल सकता हूँ, मैं उसको मौका और अवसर दिला सकता हूँ भगवान से। लेकिन होता क्या है कि मेरे पास जगह नहीं है। ओमपाल जी ने अखबार में शायद अभी स्वच्छ भारत अखबार निकला है ये ओमपाल जी का, तो इसमें इन्होंने अभी अखबार में नंबर दे दिए थे। मैंने इनको फोन करके जबरदस्ती बंद कराया कि नहीं आप जो है नंबर ये बंद करो, क्योंकि ओमपाल जी मेरी जितनी क्षमता है मैं उतना ही कर पाऊंगा। हमारे पास धाम अभी छोटा है, हम ज्यादा लोगों को देख नहीं सकते, भीड़ को ज्यादा दिन रख नहीं सकते। होता तो इवन ये होना चाहिए कि मेरे पास साधन होने चाहिए और इतनी बड़ी जगह होनी चाहिए जहाँ मैं एक एक आदमी को पांच पांच दिन रख के उनका इलाज करके उनके दर्दों को बिल्कुल ठीक करके, जो दुनिया में कहीं ठीक नहीं थे। और मेरा मानना यह है कि डॉक्टर इस विषय में सारे के सारे विफल है, बिल्कुल एकदम से फोन बंद करें भाई के साथ, डॉक्टर सारे इस विषय में विफल है, ये आपने देख लिया। पिछले एक महीने में कम से कम हमने 100 ऑपरेशन किए होंगे, 100 के 100 ऑपरेशन, 3-3 लाख, 7-7 लाख, 8-8 लाख डॉक्टरों के थे, तो 7-8 करोड़ रुपया तो हम एक महीने में अपने भक्तों का बचा रहे हैं, शनिधाम के भक्तों का बचा रहे हैं। ये बात है, ज्यादा भी बचा रहे हैं भूतों का, तो क्योंकि बहुतों को इससे भी ज्यादा बता दिया जाता है, 20-30 लाख बता दिया जाता है। बहुत सारे लोग तो बहुत लंबे समय तक जो है इस अवधि से वो करते रहते हैं। तो आप ये देखिए कि मेरी विडंबना ये है कि मेरे पास जगह की कमी है और उतनी सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। मेरे पास तो एक टॉयलेट एक बाथरूम है, अगर दिन में 1000 आदमी आ जाता है तो मेरी आत्मा कंपित होती है। मैं अपने इष्ट से अपने ईश्वर से शायद उसने क्या सोचा हुआ है, बस यही कहना चाहता हूँ कि जगह दे तो इतनी बड़ी दे जहाँ बैठ के ठीक से सेवा कर सके। बहन जी आई वहां से, बहन जी आई वहां से, हमें अच्छा लगा, उन्होंने बताया भी अच्छा लगा और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाया भी अच्छा लगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी भी आदमी का गलत तरीके से पैसा खा जाए, डॉक्टरों को तो पता ही नहीं है कोविड वायु क्या होती है। बहरहाल मैं इतने लोगों के घुटने ठीक कर चुका हूँ और मैं उनकी वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन उन वीडियो को मैं पीछे फेंक देता हूँ, बहुतों की मैं डालता ही नहीं, नदारत कर देता हूँ। हमारा एक बार मेला भी लगा था, वहां भी हमने पहले ही दिन अपोलो में जिसका इलाज चल रहा था 4 साल चला और अंततः उसने अपने 2 एकड़ भूमि बेच दी अपने घुटने के ऑपरेशन कराने के लिए, क्योंकि उसकी बहुए दो पकड़ के उस आदमी के और रणवीर नाम है उसका और किशनपुर के रहने वाले हैं, तो दोनों बाजुए उठा के दोनों बहुए, बेटे घर पे रहते नहीं थे, वो टॉयलेट बैठाती थी तसले में, यहाँ पे तसले में गाँव की बात, उस आदमी को पहली बार में ही ठीक किया था, पहली बार में ही वो 4 किलोमीटर चला था, उसके बाद से आज तक वो घूम रहा है, उसको कभी भी कुछ नहीं हुआ। बहन जी को शायद शंका हो, लेकिन हमें टाइम देने की जरूरत है। फिर भी ये जो कुपित वायु है जिसको मनु भैया ने एक बार पीट लिया, अगर आप उसको ये भी कहोगे ना हाथ लगा के बुलाऊ मनु भैया को, तो भी वो आपके पैर से निकल के फौरन छू जाएगी। एक दो बार मैं मानता हूँ कि कईयों को वो कोशिश करेगी अंदर घुसने की कि नहीं ये मेरी जगह है, मेरा स्थान है, मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, लेकिन आखिरकार उसको मेरे होते हुए जाना ही जाना पड़ेगा। बोलो जय शनिदेव। और यही बात है, अभी हम सब एक महीने से मैं